उज्जैन सिंहस्थ मेले की शुरुआत 22 अप्रैल से होनी है, लेकिन इससे पहले ही साधु संत नाराज हो गए हैं। आह्वान अखाड़े से जुड़े संतों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो दिगंबर अणी के संतों ने भी मूलभूत सुविधाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिला सशक्तिकरण टीम रविवार रात कार्रवाई करते हुए 5 बाल विवाह रोकने में कामयाब रही। अप्रैल माह में महिला सशक्तिकरण की टीम अब तक 11 बाल विवाह रोक चुकी है। भोपाल के सुपर बाइकर्स ने आज वीनू पालीवाल के एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत की पहली लेडी सुपर बाइकर वीनू पालीवाल की मौत के बाद अब देश भर के पैशनेट बाइकर्स उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर उनकी याद में बाइक राइडिंग के इवेंट हो रहे हैं। झुंझुनू ककड़ेयू कला गाँव में शराब ठेकेदार और ग्रामीण आमने सामने आ गए। ककड़ेयू गांव के लोग इलाके में शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में रविवार को एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि युवक खुद को आग लगाता, आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक आरोप है कि पुलिस वाहनों के चालान के नाम पर परेशान करती है। जयपुर में आरंभ नाम के एक संगठन ने 19 अप्रैल को एनआईटी श्रीनगर में छात्रों के साथ हुई मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। जयपुर के स्टेचू सर्किल पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर के अधिकतर इलाकों में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर राजस्थान के शिमला कहे जाने वाले माउंट आबू पर भी पड़ रहा है। माउंट आबू में अधिकतम तापमान 33 के पार पहुँच चुका है। राजस्थान में जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल प्रशासन का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा भर्ती होने वाले मरीजों से ही पंखा लाने को कहा जा रहा है। अस्पताल के वार्डों में लगे एसी और कूलर बंद पड़े हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन अभी दावा कर रहा है कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं। सीकर में मधुमक्खियों के हमले में दूल्हा समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। शादी के बाद दूल्हे और दुल्हन देवी देवता की पूजा के लिए गांव के मंदिर में पहुंचे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला किया। घायल लोगों का सीकर के एक अस्पताल में इलाज किया गया। जयपुर में सारस्वत ब्रह्म समाज की 2 दिवसीय क्रिकेट लीग का कल समापन हो गया। महावीर स्कूल में लीग का फाइनल मैच खेला गया। टूर्नामेंट में जयपुर जिले से 8 टीमों ने भाग लिया।